नमस्ते किसान भाइयों, मैं महेश खत्री, जीके बायोटेक एग्रीकल्चर, जीके चंदन नर्सरी, हिम्मतनगर, गुजरात से। आज मेरे साथ में है एक फार्मर। इन्होंने यहाँ पे नया कुछ प्रयोग किया है, तो ये नया प्रयोग क्या है और किस तरीके से इन्होंने किया और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किसान खुद आपको बताएंगे। नमस्ते किसान भाइयों, मैं गोपाल शाह भरूच से हूँ। मैंने 9 साल पहले जीके बायोटेक से चंदन का पौधा लेके यहाँ चंदन की खेती की थी और आज ये आप देख रहे हो पूरा चंदन का फार्म। जीके बायोटेक ने हमको ये पूरा जब से लिया तब से पूरा गाइडेंस दिया हुआ है, लेकिन हमारा समय की अभाव की वजह से ये मैं उनका पूरा जो सजेशन था वो फॉलो नहीं कर रहा था, फिर भी इतना हुआ है। और आज 9 साल के बाद भी मुझे जीके बायोटेक से महेश भाई हमको पूरा जानकारी इधर के लिए फार्म पे आके फार्म विजिट करते हैं और अच्छे सजेशन देते हैं। अभी से हमने नक्की किया है पूरा उनका जो गाइडेंस है वही फॉलोअप कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये सब जो अनुभवी किसान हैं उनके मुंह से आपको सुनाने का और बताने का समझाने का कारण इतना ही है कि जो किसान सिर्फ बड़े बड़े आंकड़े देख के इंटरनेट से माहिती लेके किसी के मुंह से सुन के न्यूज़पेपर में आंकड़े देख के जो खेती करते हैं और उनको लगता है कि हमने 20 रुपये का पौधा लाके लगा दिया, हमने 50 रुपये का पौधा लाके लगा दिया, हमने सब्सिडी में पौधा लाके लगा दिया तो हम चंदन की खेती में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि हम आज 9 साल बाद में भी इनके जैसे जो किसान हैं उनके साथ में पौधा देने से लेके लगाने से लेके हर स्टेज में साथ में रहे हैं, पर फिर भी हमारी नज़र से अगर प्लांटेशन को देखा जाए तो कैसा होना चाहिए उसमें 100% ये लोग नहीं कर पाए हैं। क्यों? तो आत्मविश्वास की कमी नहीं थी, चंदन पे भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि आज का किसान है, एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, आज की किसान की परिस्थिति और मनस्थिति ऐसी है कि किसान मतलब कुचला हुआ, किसान मतलब गरीब, किसान मतलब पिछड़ा हुआ। जब उनको बताते हैं कि चंदन की खेती एक सुनहरी खदान है जिसमें से अगर पूरे एफर्ट और आत्मविश्वास से अगर अपना योगदान दिया जाए, मेहनत की जाए, तो अवश्य आप बहुत बड़ा प्राप्त कर सकते हैं, पर किसी ने नहीं किया है। इसलिए हम पुराने जिनके भी अनुभव है उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमारे भविष्य को तोलते हैं। हम हमारे खुद के एफर्ट, खुद के प्रयासों के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, दूसरों के डेटा के ऊपर हम ज़्यादा भरोसा रखते हैं। जैसे गोपाल भाई ने बताया कि जीके बायोटेक ने हमको सारा मार्गदर्शन दिया हुआ है, पर हम समय से वो नहीं कर पाए जो इसके लिए करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे कौन सी बात उभर के आ रही है? बात यही उभर के आ रही है कि इतना समय हम करेंगे पर मिलेगा क्या, उसका हमको सही अंदाज़ा ही नहीं था। अंदाज़ा ना होने के कारण वो प्रयास हम नहीं कर पाते। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो इसको उद्योग की तरह नहीं लेना चाहते हैं, जो इसको इंडस्ट्री की तरह नहीं लेना चाहते हैं, जो इसमें थोड़ा बहुत पैसा नहीं डालना चाहते हैं, जो इसमें थोड़ा बहुत समय नहीं डालना चाहते हैं और एक लंबा विज़न लेके नहीं चलना चाहते हैं, वो कृपया चंदन की खेती के बारे में सोचना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं पा सकेंगे जो चंदन रियल में दे सकता है। फिर आप या तो आधे से उसको एस्केप कर देंगे, या तो निकाल देंगे, या उस कंडीशन में होगा जो देख के दूसरा किसान मोटिवेट तो नहीं होगा, डीमोटिवेट ज़रूर होगा। तो इतनी सुनहरी खेती को कृपया बदनाम ना करें। अगर नहीं हो रहा है तो और खेती करें, खुश रहें। बाकी चंदन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो थोड़ा कान खोल के और दिमाग खोल के सुन लीजिए कि 1 साल का या 2 साल का 10-12 फीट का पौधा हो गया और आपको लगता है कि आप सफल हो गए, तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। हर एक स्टेज में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो इसका मेंटर है, जो इसका अनुभवी है, जो इसको जानता है। हमारा कोई अभिमान नहीं कर रहे हैं। कहीं पे भी जाइए, अगर आपके पास में अच्छा मार्गदर्शक पददर्शक है तो उतने ही टाइम में आप चंदन पा सकेंगे जितने टाइम में ये आपके पास में आपके फायदे की चीज़ के रूप में आना चाहिए, मतलब एस्टिमेटेड टाइम के अंदर। वरना सिर्फ आप पौधे देखते रहेंगे, आपको जो दिख रहा है आपको वही दिखेगा और जो आपका गाइड होगा वो आपको वो दिखा पाएगा जो पर्दे के पीछे का होगा।
मतलब हकीकत, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्रयास, थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ा खर्चा और थोड़ा संयम, ये सब कुछ रखना पड़ेगा। तो एक लास्ट संदेश जो गोपाल भाई आपको देंगे, इस पूरी बात का निचोड़, वीडियो लंबा ज़रूर है पर अंत तक थोड़ा संयम रख के देखें तो आपको ज़रूर वो मिलेगा जिसकी लोग आज तलाश कर रहे हैं। तो लास्ट में गोपाल भाई आपको दो शब्द कहेंगे इस पूरी चीज़ का निचोड़ जो इन्होंने खुद ने पाया है। किसान भाइयों, मैं आपको नम्र विनंती करता हूँ कि आप चंदन की खेती करें तो एक उद्योग की तरह करें और उसमें कोई पथदर्शक मार्गदर्शक साथ में रखिए। हमको जीके बायोटेक मिला था, साथ में है, 9 साल के हमारी साथ में सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमने उनका पूरा फॉलो नहीं किया, लेकिन उसकी पीछे जो पूरा करके हम करते हैं तो ये एक, और अभी वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, जो फार्म होता है उनका 10% उनको दे के ये पूरा फार्म का जब तक बेचेंगे हमारा पौधा तब तक पूरी उनकी जो अपना बेचैन के लेके सब कुछ सर्विस वो दे रहे हैं, और ऐसी सर्विस के लिए जीके बायोटेक हकदार है।